नमस्कार, आप सभी को रुद्र चंडिका चैनल में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप लोग जो है अपनी दिनचर्या के साथ मंत्र जाप, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, और चैनल पे जो नए मेंबर हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग हमें ये निरंतर कहते हैं कि रात्रि सुक्तम पाठ करने से क्या कोई हानि होता है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, रात्रि सुक्तम का पाठ जीवन को परिवर्तन करने वाला पाठ में से एक पाठ है। अगर आप देवी मंत्र जप, पूजा पाठ, उपासना सब कुछ कर रहे हैं, और उसी समय अगर आप रात्रि सुक्तम का पाठ करते हैं, तो कोई मंत्र जब से पहले अगर रात्रि सुक्तम का पाठ होता है तो आपको बहुत अच्छा जो है एक ऊर्जा की अनुभूति होती है। साथ ही साथ आप अगर भय करते हैं रात को कोई देवी मंत्र जाप करने से पहले, मंत्र जब से पहले भी रात्रि सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर लोग हमेशा यही बात कहते हैं कि रात्रि सुक्तम पाठ करने से हमें ऊर्जा अत्यधिक हो रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रात्रि सुक्तम पाठ करने से आपको ऊर्जा बहुत ज़्यादा अनुभूति हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है शिव पंचाक्षरी मंत्र आप जप करके, या फिर रात्रि सुक्तम पाठ करके शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करने के बाद आप अपना मंत्र जाप कर सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, और आप देखेंगे जब आप शिव पंचाक्षरी मंत्र जाप करते हैं रात्रि सुक्तम के बाद, तो आपकी पूरा ऊर्जा संतुलित जैसे होने को आपको लगेगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आप जो है रात्रि सुक्तम पाठ करने से अत्यधिक ऊर्जा को बस एक मंत्र से संतुलित करिए, वो है शिव पंचाक्षरी मंत्र। और मैं तो ये कहूँगा कि फिर भी अगर आपको रात्रि सुक्तम पाठ करने से आपको जो ऊर्जा ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो आप रात्रि सुक्तम के बदले उसके कोई दूसरा जो है आप माता की स्तुति वगैरह करके भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। कोई भी जो असुविधा नहीं होता है, और आपको बहुत अच्छा ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऐसा करिए, और हमें जैसा होता है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ। जय माता दी।